मैं आप हम सब जब एक बार आईने के सामने जाते हैं ना, तो हमसे खूबसूरत कोई नहीं होता, सही या गलत? सोच जब हम सबसे खूबसूरत हैं तो हमारे विचार भी सबसे ज्यादा खूबसूरत होने चाहिए, और इसीलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता कैसे है? जिस दिन हम नई वाली साड़ी पहनते हैं, वो बनारस के जो माता जी ने लिया देखा था, सो उस दिन का एटीट्यूड क्या होता पता है? हम चौड़े में होके चलते हैं कि आज तो अगर बार्गेन भी करनी है तो 10,000 की चीज 2,500 में बार्गेन करके आता है, वो कॉन्फिडेंस होता है। अब अगर हमारे बालों के साथ या हमारे स्किन के साथ जब कोई चीज पॉजिटिव नहीं रहती है, दैट टाइम हमारे साथ सेम नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स चलते रहते हैं। जब हमारे बालों में सफेदी आ रही होती है, आज तो 10 साल के बच्चों को आता है, इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो हमारा डाइट, दूसरी रीजन हमारी फिजिकल एक्टिविटी, तीसरी एटमॉस्फेयर, जो सन की रेज है हमारी बॉडी में, मेलानिन एक फैक्टर होता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेलानिन एक फैक्टर होता है, एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में जो कलर को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये कलर हमें कुदरत ने दिए हैं, ये कलर हमें कुदरत ने दिए हैं बाहरी चीजों से बचाने के लिए। कैसे मैं समझाता हूं? जब भी आप धूप में या पार्टी के लिए जो अलग हो रहे हैं, देखो जगराते में ना ऐसे हाथ बनाते, बहुत सच्चे दरबार की क्या बात है। इतने सारे लोगों के बाल झड़ रहे हैं, अब आप लोगों में से कितने कितने लोगों ने शैम्पू चेंज किया कि मेरे बाल झड़ने रुक जाए? आप ऐसे और रखे रखे वो ब्लैक हो जाता है, तो बिग बार से उसे चमका सकते हैं क्या? नहीं, चितांबरी चाहिए था। क्या बात है। जब मेरे बाल झड़ रहे हो तो शैम्पू से नहीं होगा, आप समझिए, शैम्पू इज जस्ट फॉर क्लीनिंग। शैम्पू हमारे सीबम, जो ऑयल होता है हमारी बॉडी से, जो हम खाते हैं वो निकाल के बॉडी हमारी रिलीज करती है, उसे सीबम बोलते हैं। एक तरह का गंदा गाढ़ा ऑयल होता है जो हमारी बॉडी छोड़ती है, वो हमारे स्कैल्प में, हमारे स्किन में, दोनों में होती है। शैम्पू का मेन काम है आपके स्कैल्प को क्लीन करना। अच्छा, मैंने देखा खूब बालों में रगड़े जा रहे हैं, कितने लोग अपने पूरी लेंथ में शैम्पू प्रॉपर लगाते हैं? पर मैं तो बचपन में पोखरे में नहाया करता था, लगता है मेरे दोस्त इधर भी बालों में लाइक इन बालों में पूरा प्रॉपर शैम्पू करते हैं। एग्जैक्टली, जो आपने यहाँ झाग बनाया उसी झाग से उसको क्लीन करना, ठीक है? सेकेंड, शैम्पू हमने यहां, लग रहा है कि मुझे कुछ जानकारी वानकारी हो गई है। मिथ है ये, एक भ्रम है कि कंडीशनर कर देता है हमारे बालों के ऊपर मोम की। यस जी बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूं क्यों पर जो होता है वैसे हमारे बालों के ऊपर भी होता है, यानी कि क्यूटिकल जब खुल जाता है। कितने लोगों ने यूकेलिप्टस का पेड़ देखा है? वाह, व्हाट्सएप पे भी नहीं देखा क्या? सबसे देखा है, फट जाता है, दिखता है उसके छिलके निकलते हैं। हमारे बाल भी वैसे ही ड्राई है, ये आपके सामने बैनर लगा हुआ है, सेल्फी लो मुस्लिम को। देखिए मैडम वहीं पे है ही, कि आपको अपने कपल के फोटो होगा, वो मसूरी घूमने जाएगा दिसंबर में, दिसंबर के बाद जब मौसम बड़ा खूबसूरत सा होगा, नहीं तो बर्फ भी जमा हो जाएगी। तो ये सेल्फी लो मसूरी घूमो, ये गोदरेज का एक नया इनोवेशन है, और आज जो हमारे कार्यक्रम के सह प्रायोजक भी हैं, गोदरेज एक्सपर्ट रिस्क क्रीम बनाए,
और कैसे अपनी स्किन को हेल्दी करते हैं। तो एक बार मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन, हमारी कोर कमेटी से एक बार आप सभी का मैं परिचय करवा दूं। मैं अध्यक्ष रीता श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष हूँ अनोखी क्लब में, हिंदुस्तान अनोखी क्लब में। हमारी अध्यक्षा श्रीमती अनुपम श्रीवास्तव, राजन सिंह स्वागत करें। हमारी प्रशासनिक अधिकारी रोशन एहतेशाम और हमारी तीन एक्टिव मेंबर सीनियर अमृता अमृता मेहरोत्रा निरुपमा शर्मा। तो इस अलग तरीके के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए जिसमें विषय ही है ब्यूटी एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे बीच है। और कुछ बहुत प्रज्वलन हुआ और स्वागत हुआ हमारे एक्सपर्ट का। स्वागत के बाद एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत कर लूं। हमारी पुरानी पैनलिस्टों में श्रीमती ममता सिंह जी दिख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और कोई आई है पुरानी पैनलिस्ट में, पैनलिस्ट जो रह चुकी है और जो हमारी नई अनोखियां आई हैं और जो पुरानी हैं, दोनों का समागम आज है। तो मैं चाहूंगी एक बार पांच खूबसूरत क्षेत्रीय अभ्यारण्य में सेंट्रल पार्किंग देते हुए हमें बिहेवियर सेक्शन बनाएंगे और हमारे बालों को चार हिस्सों में बांट देंगे। और कंडीशनर से बालों को धो लेंगे।